तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। सनी देओल के लिए 2023 इतना धमाकेदार निकल जाएगा खुद सनी पाजी ने भी नहीं सोचा था। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जब गदर 2 का ट्रेलर आया था किसी ने नहीं सोचा था कि ये मूवी 500 करोड़ के पार कर जाएगी। सबने यही सोचा था कि ठीक है गदर 2 बन रही है तो सनी पाजी के नाम से ज़्यादा 200 करोड़ का बिजनेस ये मूवी कर जाएगी। लेकिन जब तबाही मचनी शुरू करी गई इस मूवी ने, बाय गॉड बड़े बड़े कॉम्पिटिटर तक को रौंदते हुए आगे बढ़ी है ये मूवी और कल अपने 24 दिन कंप्लीट करके आज 25वें दिन में भी जो धमाल कर रही है काबिले तारीफ है। इवन बाहुबली के हिंदी कलेक्शन रिकॉर्ड को भी रौंद रही है। अभी भी इस सुनामी को कोई रोक नहीं पा रहा है। हाँ, अब ग्रोथ थोड़ा स्लो हो चुकी है लेकिन देखा जाए तो एक 25 दिन पुरानी फिल्म जिसकी ग्रोथ इस टाइम पर भी बरकरार है, दमदार है, मार्वलस ग्रोथ चल रही है क्योंकि सामने ड्रीम गर्ल 2 लगातार टक्कर दे रही है और दूसरी तरफ ओएमजी 2 भी बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है और 2 दिन बाद जवान तैनात है तो मैं कहूँगा अमेजिंग है भाई साहब। मूवी की ग्रोथ, गदर 2 की ग्रोथ इज अमेजिंग। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी ने पहले 5 दिन में कितनी कमाई करी है, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया है इस फिल्म ने, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है गदर 2, सेकेंड वीक में कितनी कमाई करी, थर्ड वीक में कितनी कमाई करी और चौथे वीक में कैसी ग्रोथ अब चल रही है, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है भाई मान गए। इस साल की फास्टेस्ट ग्रॉसर बनकर उभर रही है गदर 2 अभी तक और इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर पठान तक को खदेड़ दिया है। जी हां सही सुना, इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। जी हां दोस्तों, गदर को कभी खुला मैदान नहीं मिला, जब भी रिलीज करेगी एक सॉलिड ओपोनेंट के साथ रिलीज करेगी। जब 2001 में रिलीज करी गई थी आमिर खान की लगान मूवी के साथ रिलीज करी गई थी तब लगान ने बहुत डोमिनेट करा स्टार्टिंग में, लेकिन जब गदर ने रिदम पकड़ी है तो भाई साहब हम सब जानते हैं क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई उस टाइम करी थी और कितने रिकॉर्ड उसने तोड़े थे, क्या हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस दिया था गदर एक प्रेम कथा ने एट दैट टाइम 2001 में। सेम चीज 2023 में भी देखने को मिली। गदर 2 को अभी भी जबरदस्त कॉम्पिटिटर मिले, ओएमजी 2, जेलर, भोला शंकर और अभी हाल फिलहाल में या फिर 6-7 दिन पहले कहो ड्रीम गर्ल 2 जैसी मूवी आई है तो कंपटीशन सॉलिड मिल रहा है। लेकिन अब जो है मूवी के पास पॉजिटिव एंगल था, एक इमोशनल अटैचमेंट था पब्लिक की तरफ से, तो मूवी ने अभी जबरदस्त ग्रोथ करी है, जबरदस्त कमाई करी है, बॉक्स ऑफिस में एक तरफ से सुनामी लेकर आई है ये अपने पहले दिन से आज 25वें दिन तक। इसी के साथ दोस्तों मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था और मूवी को पहले दिन दी गई थी 4000 स्क्रीन्स और 40 करोड़ से इसने खाता खोला था। तीसरे दिन में 52 करोड़ की कमाई करी, पांचवें दिन में ऐतिहासिक कमाई 55 करोड़ का कलेक्शन करा था और टोटल पहले 5 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच करता है और पूरी दुनिया से यह आंकड़ा पहले 5 दिन में 300 करोड़ को टच करता है। इसी के साथ पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में टोटल कलेक्शन 284 करोड़ के आसपास था, पूरी दुनिया से ये कलेक्शन पहले 7 दिन का 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। तो पहला वीक गदर 2 के लिए बहुत जानदार रहा था और 10वें दिन में एक बार फिर से उछाल मारकर ऐतिहासिक कमाई करते हुए पहले 10 दिन में कलेक्शन नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 378 करोड़ को क्रॉस कर चुका था और पूरी दुनिया से पहले 10 दिन में 490 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका था। वही सेकेंड वीक में यानी 14 दिन कंप्लीट करते हुए 419 करोड़ का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। इसी के साथ तीसरे हफ्ते की भी शुरुआत शानदार तरीके से करते हुए आगे बढ़ी और गदर 2 ने पहले 17 दिन में 456 करोड़ का आंकड़ा नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से अपने खाते में रख लिया था और फास्टेस्ट 450 करोड़ कंप्लीट करने वाली हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी थी तीसरे नंबर की। वहीं 18वें दिन में एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 5 करोड़ 70 लाख का होल्ड करा। 19वें दिन में भी आंकड़ा सेम रहा लेकिन 20वें और 21वें दिन में रक्षाबंधन का हॉलीडे का फुल फायदा उठाकर एक मोटी कमाई अपने खाते में रखी थी लेकिन इस बार ड्रीम गर्ल 2 ने काफी सोच चुराने में सफलता ले ली थी। तो इसी के साथ 22वें दिन में भी 5 करोड़ 10 लाख का आंकड़ा लिया, 23वें दिन में 5 करोड़ 85 लाख का आंकड़ा अपने खाते में लिया। इसी के साथ दोस्तों कल यानी संडे को यानी 24वें दिन में जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है बाय गॉड इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से 501 करोड़ का क्लब में ये मूवी शामिल हो चुकी थी, मतलब 500 करोड़ का आंकड़ा नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से ये पार कर चुकी थी।
फास्टेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरी कल भी, जिसने बाहुबली बिगिनिंग और पठान तक के रिकॉर्ड तक को तोड़ दिया, जो ये आंकड़ा 28वें या 29वें दिन में कवर कर दिया था। इसी के साथ पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक 650 करोड़ के क्लब में ये मूवी शामिल हो चुकी थी। बाहुबली द बिगिनिंग के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी खदेड़ दिया था। लेकिन वही बात करें आज यानी डे 25 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस आज मंडे वर्किंग डे है, तो आज डाउनफॉल तो देखने को मिलेगा पक्का, सिर्फ गदर 2 को ही नहीं बाकी मूवियों को भी। लेकिन फिर भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट के साथ लगभग 12-15% की रेट के साथ मूवी को ओपन हुए हैं। आफ्टरनून और इवनिंग में जबरदस्त सोच अपने हिस्से में रखा है। ड्रीम गर्ल 2 के साथ आज भी सॉलिड क्लैश देखने को मिल रहा है और एडवांस में आज 33 लाख से खाता खोलते हुए एंड ऑफ द डे तक 3 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आ रही है और अपने पहले 25 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस से 504 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। इसी के साथ एंड ऑफ दिस वीक मतलब चौथा हफ्ता खत्म होते ही बाहुबली के 511 करोड़ के रिकॉर्ड को भी खदेड़ देगी और पठान के 523 करोड़ के कलेक्शन रिकॉर्ड को भी जल्द ही खदेड़ते नजर आएगी। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 658 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करते नजर आएगी एंड ऑफ द डे तक और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी कम समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली, कम समय में तेजी से ग्रोथ करने वाली और कम समय में हाईएस्ट ग्रॉसर बनने वाली। जो नंबर वन फिल्म बन चुकी है जिसने 100 करोड़ कंप्लीट किया, फिर 200 करोड़, फिर 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ और 600 करोड़ और आने वाले 5 दिन में या 6 दिन में ये मूवी 700 करोड़ का आंकड़ा भी अपने नाम करते नजर आएगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। इसी के साथ दंगल, टाइगर जिंदा है इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी गदर 2 तोड़ चुकी है कम समय में बहुत तेजी से कमाई करने के मामले में। तो दोस्तों मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट और जनता को प्यार का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया तो आपको मूवी कैसी लगी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना और गदर 2 क्या 800 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर पाएगी या नहीं फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।